पार करने के बाद ही भोले बाबा के दर्शन होते हैं। तो अपनी यात्रा शुरू हो गई है जाओ गांव से, हम जय शंकर की, और नहा लिए हैं हम। वाह, झरने के नीचे बहुत ही ठंडा पानी था। और यहाँ से 3 किलोमीटर सिंहगाड़ है, तो रास्ता देख सकते हैं, पथरीला है। तो चलिए बम बम बोले। दोस्तों, आज यात्रा का अंतिम दिन है और मेरी कोशिश रहेगी जल्दी से जल्दी सिंहगाड़ पहुंचकर रजिस्ट्रेशन करवाने की और आगे यात्रा पर निकलने की। दोस्तों, इस समय हम पहुंच गए हैं सिंहगाड़ में, जहां पर रजिस्ट्रेशन होगी प्रशासन के द्वारा। आज आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हमारा सिंहगाड़ में मेडिकल हो गया है, और जिसमें हमारी हार्ट रेट वगैरह चेक की जाती है, सभी बीपी वगैरह सब कुछ चेक किया जाता है। तो हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, और चलिए अब आगे चलते हैं। और मेडिकल होने के बाद रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो अभी हम चलते हैं यहाँ से आगे थाचुड़ू के लिए। यहाँ पर हमारी रसीद चेक होगी, तो यहाँ पर बैठे हैं प्रशासन वाले। जी जी रोड बंद होने की वजह से मैं जाओ गांव देरी से पहुंचा था और सभी यात्री आगे निकल चुके थे। अब मैं अकेले ही यात्रा पर चल पड़ा हूं, शायद कुछ यात्री आगे मिल जाएं। बराहट्टी नाले तक हम इस नदी के साथ साथ चलेंगे, उसके बाद फिर चढ़ाई शुरू होगी। रास्ते में मुझे कुछ लोग मिले जो अपने कैंप क्लोज करके वापस जा रहे थे, क्योंकि अब यात्रा बंद हो जाएगी और फिर अगले साल शुरू होगी। जय भोलेनाथ। चप्पल नहीं डालनी थी आपने, बूट डाल के ये चप्पल फिसलती है ना, नीचे से भी फिसलेगी ऊपर से भी, ऐसा है। तो हम लोग भराटी नाले से पीछे हैं, रास्ते में भाई मिला है। देखिए, जहाँ पर हम लोग पैदल चलने से भी हमारी पूरी जी जान लगती है, वहाँ पे भाई आलू की बोरी लेकर चला है। देखिए, ये लंगर सेवा के लिए, देखिए कितनी श्रद्धा है। हर हर महादेव। क्या नाम है भाई आपका? भाई कुलदीप है। आ जाओ, क्या बात है, आपके हौसले की दाद देते हम। जय भोलेनाथ। अभी मैं पहुंचा हूं भराटी नाला, और यहां से सिंहगाड़ से 3 किलोमीटर है ये, और आगे सिंहगाड़ से थाचुड़ू 12 किलोमीटर है, यानी कि यहां से 9 किलोमीटर लगभग रहेगा थाचुड़ू। और यहाँ पे भी लंगर व्यवस्था की गई है, तो चलिए चलते हैं आगे। चढ़ाई चढ़ के आ रहा हूँ, अभी लगातार चढ़ाई है और आगे चढ़ना है। 18 से लेकर 60 साल तक के लोग ही इस यात्रा में भाग ले सकते हैं। अभी बहुत दूर जाना है, सफर भी लंबा है। हर हर महादेव। शंभू। तो अभी हम आधी चढ़ाई चढ़े हैं, छोटा खुम्बा में पहुंचे हैं। यहाँ पे देखिए आप, चाय पानी की व्यवस्था हो गई, जय शंकर की। और हमारे साथ साथी भी मिले हैं, और तो चल रहे हैं यात्रा पे, तो चलिए। बराहटी से काली घाटी तक डांडा की धार लगती है, ये चढ़ाई डंडा रूपी खड़ी चढ़ाई है, ये लगभग 9 किलोमीटर की चढ़ाई है।
थोड़ी थोड़ी बारिश भी शुरू हो गई है। हम लोग काफ़ी हाइट पे आ गए हैं, अभी पीछे देख रहे हैं और हाइट पे जाना है। थाचड़ू टॉप के ऊपर है तो वहीं पे है एक बेस कैंप। तो चलिए, ये देखिए पसीना, वाह क्या बात है। शाम हो गई है और मुझे रात होने से पहले थाचड़ू पहुंचना है। मैंने आगे जाने का फैसला किया था लेकिन अंधेरा काफ़ी हो गया है और अंधेरे में चढ़ाई करना मुश्किल है और घना जंगल है, तो इसलिए अकेला हूँ। तो मैं वापस नीचे जहाँ पे कैंप लगे हुए हैं वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ पर सुबह जल्दी से शुरू करेंगे यात्रा। तो चलते हैं वापस। थाचड़ू से पहले थाटी बील नामक स्थान है जहाँ पर कुछ टेंट लगे हुए थे, वहीं हम लोगों ने रात बिताई और खाना खाया। यात्रियों की सुविधाओं के लिए लोकल लोगों के द्वारा ऐसे टेंट्स लगाए जाते हैं जिनमें रहने और खाने की व्यवस्था भी होती है और इनके चार्जेस नॉमिनल ही होते हैं। दोस्तों हम लोग पहुंचे हैं, अभी हम लोग काली टॉप से नीचे हैं और आप देख सकते हैं कि साथ में साथी हैं। काफ़ी कठिन चढ़ाई है, देख सकते हैं कि हमारे बालों के ऊपर भी पानी की बूंदें जम चुकी है। हर हर महादेव। अभी हमने काली टॉप क्रॉस कर लिया है। काली टॉप ऐसा स्थान है जो कि हाइट के ऊपर है, दोनों तरफ से आपको चढ़ाई करनी पड़ेगी। जय जय भोलेनाथ। कुंशा घाटी और भीमडवार के रास्ते में हमें कई दुर्लभ जड़ी बूटियां और फूल मिलते हैं। श्रीखंड महादेव की यात्रा में यात्रियों को कई ग्लेशियर, कई झरनों को पार करना पड़ता है। हम भीम तलाई क्रॉस करके आगे हैं, काफी आगे, और ये देखिए पहला ग्लेशियर हमें पड़ाव में मिला है। अभी ये क्रॉस करके जाना है हमें। वैसे तो पूरे भीग चुके हैं, जूते खोलकर और जुराबे खोलकर हम ये क्रॉस करेंगे नाला, झरना एक तरीके से, नाला नहीं कह सकते। कुंशा घाटी से भीमडवार के लिए 2.5 से 3 घंटे की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं भीमडवार। तो अभी आप देख रहे होंगे कि मैं इस समय कहाँ पे हूँ। मेरे कपड़े सारे गीले थे, तो ये कल वाली शर्ट थी ये भी थोड़ी थोड़ी गीली है, लेकिन अभी कपड़े हम लोगों ने चूल्हे के ऊपर सूखने डाल दिए हैं। और भाई जी ने चाय बनाई है, नवनीत भाई जी है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा इन्होंने एकदम से मतलब पुदीने वाली चाय बनाई है, तो कमाल कर दिया। मतलब सर्दियों में आप देखिए कि यहाँ पर इतनी हाइट पर सर्विस दे रहे हैं, और मतलब एक बोलते हैं ना कि जिंदा दिली ग्राउंड ली, कमाल है, दिल खुश हो गया। तो थैंक यू भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन हम लोग सुबह 5 बजे आगे की यात्रा पर चल पड़े। इसके बाद की यात्रा खूबसूरत होने के साथ साथ और दुर्गम होती जाएगी। जय जय शंकर जी, हर हर महादेव। तो दोस्तों अभी हमें ये झरना क्रॉस करके जाना है, सुबह के 5:30 है, तो हम लोगों ने अपनी यात्रा शुरू कर दी है भीमडवार से। चलिए चलते हैं। माना जाता है कि पांडवों ने अपने वनवास काल का कुछ समय यहाँ पर बिताया था। यात्रा के दौरान पांडवों की ऐतिहासिक श्रीखंड महादेव यात्रा के साक्ष्य भी मिलते हैं। ये साक्ष्य भीम तलाई, भीम डवार और भीम बही नामक स्थानों पर मिल जाएंगे।
अभी हमें दूसरा झरना पार करना है। ये देखिए दूसरा झरना, वो पीछे आप देख रहे होंगे कैंप लगे हैं, वो पार्वती बाग है, उसके बाद नैन सरोवर, उसके बाद फिर श्रीखंड महादेव, हर हर महादेव। पाँव इस समय सुन्न हो चुके हैं, मैंने नंगे पाँव ये क्रॉस किया था। देखिए पीछे भक्त क्रॉस कर रहे हैं। हर हर महादेव, जुराबे गीली हो चुकी है पूरी, पूरे जूते भीग चुके हैं। हर हर महादेव, बम बम बोले। पहुँचे हैं, अभी नैन सरोवर नहीं पहुँचे हैं, पार्वती बाग क्रॉस किया है और आप देख सकते हैं पीछे ये सारा पथरीला रास्ता है, यहीं से होकर जाना है अभी हमें। ये देखिए, ओहो हो, पार्वती बाग के बाद हम नैन सरोवर, जो कि माँ पार्वती की तपस्थली है, पहुंचते हैं। माना जाता है कि नैन सरोवर पार्वती माँ के आंसुओं से बना है और इसकी आकृति भी नयन के समान दिखाई देती है। यहाँ का जल बहुत ही पवित्र माना जाता है। श्रद्धालुओं को इस जल का पान करने मात्र से ही कई रोगों से मुक्ति मिलती है। नैन सरोवर के बाद सप्तऋषि की पहाड़ियों को पार कर जाना पड़ता है, जिन्हें सात द्वार भी कहा जाता है। उसके बाद श्रीखंड महादेव के दर्शन होते हैं। दोस्तों, नैन सरोवर से आगे आपको कोई भी पेड़ पौधा नहीं मिलेगा, सिर्फ पत्थर और ग्लेशियर ही मिलेंगे। नैन सरोवर से हम लोग 9 बजे चले हैं और ये देखिए ऊपर पहाड़ी पे चढ़ना है। अभी पीछे आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, ये चल रहे हैं हर हर महादेव। लगभग आधा घंटा हो गया है हमें, हम लोगों ने ये पहाड़ क्रॉस किया है और अभी दूसरी तरफ आ गए हम लोग पहाड़ के। धुंध के कारण दिखाई नहीं दे रहा है, ये हम लोगों ने क्रॉस किया है। और यहाँ पे आप ग्लेशियर भी देख सकते हैं, पीछे ग्लेशियर हैं। अभी यहाँ पे काफ़ी ग्लेशियर होते हैं और लेकिन अभी पिघल चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं वीडियो बनाऊँ, कठिन पहाड़ चढ़ के आ रहे हैं हम। अभी और चढ़ना है आगे। ये स्थान महायोद्धा भीम के नाम से प्रसिद्ध माना जाता है। इस स्थान पर पांडु पुत्र भीम द्वारा तराशे गए भारी पत्थर आयताकार में पाए जाते हैं। इन पत्थरों में पांडव लिपि का प्रतीक भी मिलता है। कुछ पत्थरों की परत थाली के आकार की बैठाई गई है। इन पत्थरों को इस कठिन स्थान पर लाना अर्थात तराश कर रखना निश्चित तौर पर महान योद्धा द्वारा किया गया कार्य माना जाना उचित होगा। जनश्रुति के अनुसार ये कार्य एवं रास्ता भीम ने स्वर्ग जाने की सीढ़ियों हेतु तैयार किया था। बारिश भी शुरू हो गई है और देखिए हमें ये ग्लेशियर पार करके जाना पड़ता है। ये काफी लंबा ग्लेशियर है, इसको पार करने के बाद ही भोले बाबा के दर्शन होते हैं। हे भोले बाबा, शंकर बाबा, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो फाइनली हम लोगों ने श्रीखंड महादेव में माथा टेक लिया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे श्रीखंड महादेव जी की प्रतिमा, 72 फुट की ये प्रतिमा है और साथ में यहाँ पे श्री गणेश जी और पार्वती माता जी की भी हैं। 18,570 फीट की हाइट पर है ये, हर हर महादेव। तो अभी हम लोग वापसी कर रहे हैं, अब ये वापसी में ग्लेशियर पार करना है, तो चलिए। ग्लेशियर पार करने में
बड़ी दिक्कत आई, दो बार तो मैं फिसल गया था, हालांकि गनीमत रही कि बच गया। जय भोले बाबा। सुबह इस झरने का पानी कम था जब हम सुबह जा रहे थे यात्रा के लिए, लेकिन बाद में बारिश हुई है और थोड़ा सा पानी और भी आ गया है। तो चलिए क्रॉस करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ से क्रॉस किया मैंने पानी का बाप। इस बार मैंने जूतों के साथ क्रॉस किया है, सुबह नंगे पांव किया था। ओ पानी का बाप देख सकते हैं आप। ओ ऊपर बारिश, इस समय सब कुछ भीग चुका है। तो चलिए चलते हैं। अभी हम देखते हैं कि भीम दोबारा रुकेंगे या कुंशा घाटी। चलिए चलते हैं। शाम के 5 बज गए हैं। लगातार बारिश से पूरे कपड़े भीग गए हैं और हमने भीमडवार में ही रात काटने का फैसला किया। हर हर महादेव। तो दोस्तों, आज सुबह हम चल पड़े हैं भीमडवार से। ये आप मेरे पीछे नज़ारा देख सकते हैं भीमडवार का। मौसम थोड़ी थोड़ी बारिश लगी हुई है और अब हम वापसी करेंगे जाओ के लिए। देखते कहाँ तक पहुँचते हैं आज। तो चलिए चलते हैं। ये देखिए, ये ग्लेशियर है, इसे पार करके हम यहाँ पहुँचे हैं। बहुत ही नीचे पिघला हुआ है, बहुत ही रिस्की था। हर हर महादेव। हमने काली टॉप क्रॉस कर लिया है, अभी हम थाचुड़ू के लिए रवाना होंगे, फिर उसके बाद जाओ के लिए। शाम होने से पहले हमें जाओ तक पहुंचना है। जय भोलेनाथ। मौसम दे सकते हैं कि आप कैसा हुआ है। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं थाचुड़ू। बहुत जल्दी कवर किया ये सफ़र, 10:30 हो चुके हैं। हर हर महादेव। मुझे थाचुड़ू से नीचे आते आते देखिए क्या मिला है। ये है हिमालयन रेस्पबेरी। हमारे यहाँ पे ये डार्क येलो कलर की होती है और यहाँ पे देखिए ये अपर हाइट्स में ब्लैक कलर की है। कमाल है दोस्तों। अभी मैं पहुँच चुका हूँ भराटी नाला। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे एक नदी ये है और दूसरी नदी वहाँ पे मिलती है। दो नदियों का संगम है और ये पीछे पुल है। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। हर महादेव। दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी। देखिए, हमारे साथ अंकल जी है, 72 साल की उम्र है। इन्होंने श्रीखंड महादेव जी के दर्शन करके आ रहे हैं। और अंकल जी की उम्र कितनी है? 62। आपका क्या नाम है अंकल जी? सुभाष। अंकल जी आपका क्या नाम है? ओके। तो देखिए, पटना से आए हैं ये लोग और बाबा जी के दर्शन करके आए हैं। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। हर महादेव। ये रास्ता बिल्कुल नदी के साथ साथ होता हुआ जाता है और पूरा पूरा रास्ता है। दोस्तों, हम सिंघाड़ बेस कैंप पे पहुंच चुके हैं और ये यात्रा के आखिरी दिन थे। अभी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई यात्रा नहीं हो रही है, अभी यात्रा बंद कर दी गई है। चलिए चलते हैं।
तो फाइनली पहुंच गए हैं जाओ में, तो चलिए आगे चलते हैं। हर हर महादेव शंभू, हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। लैंडस्लाइड होने की वजह से जाओ से बागी पुल के लिए रास्ता बंद था। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो रात हम जाओ गांव से निकले हैं क्योंकि रास्ता थोड़ी देर के लिए ही खुला था, तो फिर पता नहीं कितने दिनों के लिए बंद रहता रास्ता, तो फिर रास्ते में हम लोग यहां रुके हैं। तो अभी हम लोग तैयार हैं, तो मम्मा जी चल रहे हैं साथ में, तो चलिए चलते हैं अपने सफ़र के लिए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जो कि बिल्कुल फ्री है। आप हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। हमारी वीडियोस को अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।